नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि IPL का 14th सीजन मतलब IPL 2021 9th ऑफ अप्रैल 2021 से स्टार्ट होने वाला है। IPL 2021 का पहला मुकाबला खेला जाएगा मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच। मैच चेन्नई में MA चिदंबरम स्टेडियम पे खेला जाएगा। जैसे कि हम सबको पता ही है, मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर दोनों की दोनों तगड़ी टीम से दोस्तों, तो मैच काफी रोमांचक होने की संभावना है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं दोनों टीम्स के स्ट्रेंथ्स के बारे में, वीकनेस के बारे में, हेड टू हेड के बारे में, हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर्स के बारे में और RCB और MI दोनों टीम्स के प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं दोनों टीमों के स्ट्रेंथ्स के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं मुंबई इंडियंस से। अगर मुंबई इंडियंस की स्ट्रेंथ देखा जाए दोस्तों, सबसे पहला स्ट्रेंथ आता है उनका इंडियन बैटिंग लाइनअप और दूसरा है ऑलराउंडर ऑप्शंस। तो दोस्तों देखिए, इंडियन बैटिंग लाइनअप में उनके पास रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या जैसे धुरंधर तो मौजूद है ही, वही ऑलराउंडर उनके पास है हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, कुल्टर नाइल, केरन पोलार्ड, ऐसे अच्छे ऑलराउंडर भी टीम में शामिल है। तो ये उनका सबसे मेन स्ट्रेंथ बनता है दोस्तों। अगर सेकंड स्ट्रेंथ की बात की जाए तो टीम सेट है दोस्तों। मुंबई इंडियंस 5 बार चैंपियन बन चुकी है और टीम पूरी तरह से सेट हो चुकी है। ज्यादा चेंजेस वो टीम में करते नहीं है और टीम का जो कोऑर्डिनेशन है, जो अंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे के बीच, काफी जबरदस्त है दोस्तों। इसी वजह से टीम एक परफेक्ट टीम दिखाई देती है। तीसरा जो मेन स्ट्रेंथ है दोस्तों उनका, उनके पास है मैच विनर प्लेयर्स की भड़ी मार, क्योंकि उनके पास रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, केरन पोलार्ड और सूर्य कुमार यादव जैसे मैच विनर प्लेयर्स मौजूद है। अब बात करते हैं दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की। ये टीम भी कहीं कम नहीं है। सबसे पहली स्ट्रेंथ आती है RCB की, तो बैटिंग लाइनअप काफी तगड़ा है दोस्तों उनका। विराट कोहली, AB डिविलियर्स, देवदत्त पड्डीकल, अभी मैक्सवेल भी उनमें शामिल हो चुके हैं, तो तगड़ा बैटिंग लाइनअप RCB के पास भी मौजूद है। सेकंड स्ट्रेंथ उनका है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है वो इनके पास भी अच्छे ऑलराउंडर्स है, जैसे कि मैक्सवेल, वॉशिंगटन सुंदर, अभी फिलहाल ही उन्होंने काइल जेमिनसन को भी शामिल किया है और डैनियल सैम्स को भी उन्होंने ट्रेड करके शामिल किया है, तो ऑलराउंडर्स इनके पास भी अच्छे खासे है दोस्तों। बट अगर वीकनेस की बात की जाए तो RCB के पास वीकनेस है दोस्तों, उनका बॉलिंग अटैक इतना मजबूत नहीं है जितना कि मुंबई इंडियंस का है। और टीम में काफी नए प्लेयर से, मतलब RCB के लिए नए प्लेयर से, जैसे मैक्सवेल, जेमिनसन, डैनियल सैम्स, तो इस वजह से RCB का टीम थोड़ा अभी तक सेट नहीं हो पाया है दोस्तों। अगर देखा जाए RCB की और एक वीकनेस, तो बैटिंग लाइनअप में वो काफी ज्यादा डिपेंडेंट है AB डिविलियर्स और विराट कोहली पे। और दूसरी तरफ देखा जाए तो मुंबई इंडियंस का तो कोई ऐसा वीकनेस उनका नजर नहीं आता है दोस्तों, क्योंकि बैटिंग भी तगड़ी जबरदस्त है, एक गया तो दूसरा आ ही जाता है, बॉलिंग भी काफी तेज तरार है, बुमराह है, बोल्ट है, पांड्या है, चहर है, कुल्टर नाइल है, तो उनकी भी काफी टीम जबरदस्त है, बॉलिंग अटैक में कोई कमी नहीं है उनके पास। थोड़ी बहुत कमी थी कि क्वालिटी स्पिनर ऑप्शन नहीं है, बट राहुल चहर ने भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया है और अगर चहर को ना लेना चाहे तो पीयूष चावला उनके पास एक बेटर ऑप्शन भी मौजूद है। तो चलिए आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हेड टू हेड दोनों टीम्स के बीच। RCB और मुंबई इंडियंस के बीच अभी तक 27 मैचेस खेले गए हैं दोस्तों IPL में, जिसमें से मुंबई इंडियंस को 17 बार जीत मिली है, वही रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 10 बार बाजी मारी है। तो यहाँ पे जो जाता है प्लस पॉइंट मुंबई इंडियंस के पास, क्योंकि मुंबई इंडियंस ने 7 मैचेस ज्यादा जीते हैं RCB से, तो यहाँ पे मुंबई का पलड़ा भारी दिखता है दोस्तों। अगर हाईएस्ट स्कोर की बात की जाए दोनों की एक दूसरे के खिलाफ, तो मुंबई इंडियन ने RCB के खिलाफ 213 का हाईएस्ट बनाया है अभी तक IPL में, और वही देखा जाए RCB ने, तो RCB ने 235 रनों का हाई स्कोर बनाया है मुंबई इंडियंस के खिलाफ। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो RCB का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है। अगर लोएस्ट स्कोर की बात की जाए तो यहाँ पे भी RCB थोड़ी भारी है दोस्तों, क्योंकि मुंबई इंडियंस ने RCB के खिलाफ 115 रन का लोएस्ट स्कोर बनाया है, जबकि RCB ने 122 रन का लोएस्ट स्कोर बनाया है मुंबई इंडियंस के खिलाफ। तो यहाँ पे भी RCB थोड़ा अच्छा नजर आ रही है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारे लास्ट सेक्शन की तरफ, जो कि है प्ले प्रोबेबल प्लेइंग 11 दोनों टीम्स की तरफ से। तो सबसे पहले बात करते हैं मुंबई इंडियंस की। तो मेरे ख्याल से दोस्तों मुंबई
इंडियंस की टीम रहेगी इस तरह। सबसे पहले रोहित शर्मा, क्वेंटन डिकॉक, सूर्य कुमार यादव, देन ईशान किशन, कैरन पोलार्ड, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, नैथन कुल्टर नाइल, राहुल चहर, बोल्ट और जसप्रीत बुमराह। ये रहेगी प्रोबेबल प्लेइंग 11 मुंबई इंडियंस की दोस्तों, जिसमें कि 5 स्पेशलिस्ट बैट्समैन, 2 ऑलराउंडर और 4 स्पेशलिस्ट बॉलर शामिल है। अगर आरसीबी की बात की जाए दोस्तों, तो आरसीबी की टीम रहेगी इस तरह। सबसे पहले दीपक पड्डीकल, इस बार ओपनिंग करेंगे विराट कोहली पड्डीकल के साथ, तो दूसरे रहेंगे विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, मेरे ख्याल से मोहम्मद अजहरुद्दीन, जो नए वाले मोहम्मद अजहरुद्दीन है उनको जरूर शामिल किया जाएगा। उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल, वॉशिंगटन सुंदर, डैनियल सैम्स, काइल जेमिनसन, नवदीप सैनी, यजुवेंद्र चहल और मोहम्मद सिराज। ये रहेगी आरसीबी की टीम दोस्तों, जिसमें कि 5 स्पेशलिस्ट बैट्समैन, 2 या 3 ऑलराउंडर हम कह सकते हैं और 3 स्पेशलिस्ट बॉलर नजर आएंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, आरसीबी का टीम भी काफ़ी तगड़ा है। बट अगर मेरी माने तो मेरा तो दिल और दिमाग कह रहा है कि इस मैच में पलड़ा भारी है मुंबई इंडियंस का, क्योंकि एक सेट टीम है दोस्तों, प्रॉपर टीम है और ऑफ कोर्स पिछले साल के विनर्स भी है। तो मेरे ख्याल से तो मुंबई इंडियंस ये मैच जीत जाएगी। बट दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा इस मैच को, ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपको मिलने वाले हैं मेरे चैनल पे, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।